अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज मैं बना रही हूँ पाए, बड़े पाए। गाय के पाए को बड़े पाए कहा जाता है। इनका बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है छोटे पाओं से, जो कि बकरे के पाए कहलाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बनते किस हैं आज थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। सबसे पहले हमें चाहिए बड़े पाए, ये दो अदद बड़े पाए। उसके साथ मैंने थोड़ा सा ये गोश्त लिया है, ये निहारी के गोश्त की तरह का होता है, लाल गोश्त। उसके अलावा लहसुन, सॉरी ये लहसुन एक पूरा लहसुन है, अदरक दो बड़े चम्मच भर के टेबलस्पून, तीन बड़े साइज़ के प्याज, तीन चम्मच भर के देगी लाल मिर्च, एक चम्मच भर के नमक, एक चम्मच भर के हल्दी, दो चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, एक चम्मच भर के गरम मसाला पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच ज़ीरा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैंने पाए डाल दिए, इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन, अदरक, तमाम मसाले, हल्दी, नमक, देगी लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, और इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी, तीन बड़े साइज़ के प्याज जो मैंने लिए थे। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैं यहाँ 1.5 लीटर ले रही हूँ। मैंने सब कुछ इसमें डाल लिया। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो गोश्त हमने लिया था वो मैंने इसमें नहीं डाला है, उसको अभी नहीं डालना है। अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। अब हम इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे करीबन 1 घंटे के लिए, उसके बाद चेक करेंगे। जी जनाब, विसल इसकी बजनी शुरू हो गई है, लेकिन हम इसे मुसलसल पकने देंगे 1 घंटे तक। 1 घंटे तक नहीं, हम इसे छेड़ेंगे 1 घंटे बाद, देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन होती है। जी 1 घंटा हो चुका होगा, हमने इसे खोल के देखा है, अभी भी ये सख्त है, इसलिए मैं इसमें 1.5 लीटर पानी अभी और ऐड करके इसे दोबारा 1 घंटे के लिए लगाऊंगी प्रेशर पर करके। अभी से हम करीबन 1 घंटा और चलने देंगे। आधा घंटा हो गया, चलिए अब देखते हैं कि किस क्या कंडीशन है इसकी। अब ये देखिए, काफ़ी हद तक ये गल चुका है। ये देखिए, अब हम इस कंडीशन में आके इस पे ये जो हमारे पास गोश्त था ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको 1/2 घंटे के लिए और पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी अब हम और ऐड कर लेंगे, गरम करके पानी ऐड करिएगा प्लीज़। मैंने इसमें और पानी डाल लिया और अब इसे प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। ये देखिए पाए गल गए हुए, 1/2 घंटा हमने प्रेशर लगाया था, उसमें हमारा गोश्त भी गल गया हुआ है। अब हम इसे खुले बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल दिया और इसमें अब थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, ताकि जितना आपको ज़रूरत हो शोरबा रखने के लिए आप उतना इसे पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया, इसे थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक इसमें ऑयल नहीं डाला है, ये इसका अपना ही ऑयल है। अब हम इसे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और बस अभी 2-5 मिनट पकाएंगे, 2-5 मिनट्स पकाएंगे इसको, और उसके बाद इसमें गरम मसाला डाल के ये रेडी है। ये देखिए मेरे मुताबिक ये रेडी है बिल्कुल, इससे ज़्यादा गाढ़ा हम लोग पसंद नहीं करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1 चम्मच भर के मैं गरम मसाला ऐड कर दिया और इसको बस ढक देंगे।
जी जनाब, ये है इसकी फाइनल लुक। गर्मा गर्म नान, कुलचे, खमीर रोटी के साथ सर्व करें। बहुत आसान है बनाना, दो से तीन घंटे लगते हैं इसको और बन जाता है आसानी से। दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।